अस्पताल में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार टीकाकरण का शुभारंभ हो गया है। संभल जिले में जिला अस्पताल समेत 3 अस्पतालों पर नोडल अधिकारियों की देखरेख में स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मियों में उत्साह का माहौल बना हुआ है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी टीकाकरण को लेकर निगाह जमाए हुए हैं। प्रदेश सरकार की व्यवस्था के तहत संभल जिले को 8040 वैक्सीन डोज मिली थी। स्वास्थ्य विभाग ने 3 सेंटरों पर 300 स्वास्थ्य कर्मियों का चयन टीका लगाने के लिए किया है। स्वास्थ्य कर्मचारी अस्पतालों पर कोरोना टीका को लेकर सक्रियता शुरू हो गई है। जिला अस्पताल में नोडल अधिकारी डॉक्टर अजफर कमाल पहुंचे, जहां सबसे पहले पुलिस कर्मियों ने स्वास्थ्य कर्मी की आईडी से सत्यापन किया, फिर उसे वेटिंग रूम में बैठाया गया। एएनएम ने स्वास्थ्य कर्मी को राहत टीका लगाया। कर्मचारी को ऑब्जर्वेशन कक्ष में बैठाया गया, यहां नियमानुसार 30 मिनट का बैठना रहा। इसी प्रक्रिया के तहत स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए जाते रहे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र असमोली और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजोई पर भी स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण शुरू हो गया है। स्वास्थ्य कर्मचारी टीकाकरण के लिए उत्साहित नजर आए। इस मौके पर संभल के जिला अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों के पहला डोज लेने के बाद क्या कहा, आइए सुनते हैं। पहले तो मैं ये बोलूंगी कि लोगों को ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि इससे कोई साइड इफेक्ट होंगे या इसमें कोई गवर्नमेंट ने वैज्ञानिकों ने हमारे हित में ही सोच के बनाई है। ऐसा नहीं है, हम लोग इतने एक साल से बीमारी से जूझ रहे हैं। सरकार ऐसा नहीं करेगी, ना ही वैज्ञानिक ऐसा करेंगे कि किसी को तकलीफ हो या किसी को इसका कोई साइड इफेक्ट आए, या ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि मुझे तो बहुत गर्व है कि हमारे देश के डॉक्टरों ने ये सब वैज्ञानिकों ने ये बनाई और इतनी कड़ी मेहनत के साथ इतना टाइम से दे रहे हैं, अपना दिन रात मेहनत कर रहे हैं उसके लिए। आई प्राउड ऑफ यू साइंटिस्ट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको लगाने के लिए। और मैं तो काफ़ी टाइम से वेटिंग रूम में बैठी हूँ, वेट कर रही हूँ लगाने के लिए कि मुझे लगे। मैं चाहती हूँ पहली डोज मुझे ही लगे, ताकि मैं लोगों को दिखा सकूँगी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इससे कोई हानि नहीं है हम लोगों के लिए। और ये मेरी राय में सबको लगवाना चाहिए, निगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए देश में या देश के लोगों को, ये गलतफहमी नहीं फैलानी चाहिए। देश की जनता को आगे बढ़ना चाहिए, इसमें सहयोग करना चाहिए सबको। कुसुमलता, ये हमारे यहाँ बहुत इसकी तैयारी तो पहले से कर ली गई थी, और हमारे यहाँ बूथ बना था, उस पर 100 लोगों के वैक्सीन लगनी थी, और उसका जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इनॉग्रेशन शुरू ख़त्म होते ही वो वैक्सीनेशन चालू कर दिया गया। अभी 7-8 लोगों को लगभग लग चुकी है, जो लगती जा रही है वो आधा घंटे के लिए वेटिंग एरिया में उनको बैठाया जा रहा। सर, सबसे पहले डोज किसको लगी? सबसे पहले हमारे फार्मेसिस्ट हैं मनोज कुमार जी, सबसे पहली डोज उनको दी। आम पब्लिक के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? हम लोग को ये करेंगे कि वो बढ़ चढ़ के इसमें रेगुलर उसमें लगनी शुरू होगी तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और लगवाएं कोरोना से बचाव के लिए।